हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अदनान द स्टोर एक्स वाई जेड में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हमारे पास वो एक कैबिनेट है, इस साइड पे भी कैबिनेट है, जस्ट नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक शू रैक है। इसमें क्या क्या काम होता है मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। एक्चुअली आपके पास अगर मान लीजिए एक 3 पल्ला अलमारी है, ठीक है, और उस अलमारी में आप लोग कपड़ा रख रहे हो, अब बच्चे आपके घर में 2 बच्चे भी है, तो उस बच्चे के लिए आपको एक कपड़े रखने के लिए स्पेस कम हो रहा है, या आपको लिए पर्सनली एक चीज़ चाहिए, है ना, एक 2 बंदे के लिए कपड़े रखने के लिए चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर वाला एक छोटा सा है एक्चुअली कैबिनेट, लेकिन बहुत ही शानदार चीज़ें आप लोगों के मैं सामने लेके आया हूँ। मैं ज़्यादा देर ना मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, जा और ये देखो गाइस, आप लोग देख सकते हो इसका जो स्पेस है पूरा, पहले आप एक बार दिखा दो भाई हमारे व्यूअर्स को। और ऐसे ये है सुप्रीम का एक कैबिनेट, ठीक है, इसमें सेल्फ देख सकते हो आप, 1 2 3 4। इसका जो हाइट है, मैं पहले हाइट भी बता देता हूँ, ये 4 फीट का हाइट होगा ये। और इसका जो डीप चौड़ाई है, मतलब क्या चीज़ें आप रखने के लिए, तो इसका जो डीप है 12 इंच का डीप है, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें आप लोग आराम से रख सकते हो। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे यार, इसका एक स्पेस तो सेम है लेकिन ये इतना बड़ा है, छोटा क्यों है? ये जो सेल्फ दिख रहे हो ना, ये सेल्फ को अगर मैं फिक्स करना यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे करना चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, भाई कहीं पे भी फिक्स कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे जो हॉल दिख रहे हो ना, ये कहीं पे भी आप फिक्स कर सकते हो, अपर नीचे कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ हैंड देखे। अब मैं इसको सेल्फ को ना, जो अभी इसको मैं थोड़ा सा चौड़ाई में थोड़ा सा कम करूँगा, तो अभी ये देखो गाइस, ये इसको आराम से यहाँ पे फिक्स हो गया ये चीज़ें। तो ऐसा है एक कैबिनेट, और स्पेस चाहे आप कम करो बड़ा करो, इसको आराम से आप अपर नीचे साइड पे आप कर सकते हो। हाँ, एक बड़ा वाला जो कैबिनेट है, इसमें आपको लॉक्स के ऑप्शन मिल जाता है। इसमें देखिए, इसमें लॉक्स में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, ये दिया गया है, यहाँ छोटा सा नॉब है, इसको आप ऐसे करके पुश करना रहता है और इसको ऐसे करके खोलना रहता है। तो इसको पहले जैसे ही आप इसको बंद करना होगा, तो इसको आप ऐसे प्रेस करो, इसको आप लॉक्स कैसे करना है, ठीक है ना, इसको लॉक्स करने के लिए ये जो हुप है ना, ये जो हुप है इसको ऊपर दबाना रहेगा ऐसे करके, और इसको ऐसे करके जैसे आप बंद कर दोगे पल्ला को, है ना, उस टाइम ऐसे करके लगाना होगा, जैसे आप खोलोगे फिर इसको ऐसे कर दो, ये खुल जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का है। देखो ये अभी लॉक हो गया, ओके, और इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ, इसका लॉक्स का जो की है ऐसे करके ये लग जाएगा। अच्छा, एक मैं छोटा सा जो रैक है मैं इसका भी बता देता हूँ, रैक तो नहीं है, कैबिनेट ही बोला जाता है ना, आप रैक भी कह सकते हो। इसमें आप एक बच्चे के लिए या एक बंदे के लिए एक बुक रख रहे हो या कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो इसको आराम से आप एक बंदे के लिए यूज़ कर सकते हो, या कंडीशन टू अप्लाई आप कुछ भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका कीमत आपको 2400 में आपको मिल जाना चाहिए। आप लोग अगर इसको परचेस कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट कंसीडर है, लेकिन 2200 में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा कंसीडर आपके लिए रहेगा, ओके। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले बता दूँ, ठीक है ना, इसमें आप लोगों को लॉक्स वगैरह नहीं मिलेगा, जैसे ये बड़ा वाला कैबिनेट में जैसे लॉक्स था, तो इसमें आपको लॉक्स वगैरह नहीं मिलेगा। इसको आप ऐसे आराम से इसको बंद कर दो तो ये आराम से ये बंद हो जाएगा, इसको ये जल्दी खुलता भी नहीं है, है ना, इसको ऐसा नहीं आराम से खुल जाएगा, ऐसा नहीं, आप खोलोगे तभी ये खोलेगा डोर वगैरह, ओके। देन गाइस, हमारे पास ये है छोटा सा शू रैक है, इसमें आपको 3 साइड सेल्फ मिलेगा, आपको ये रोड का सेल्फ मिलेगा, आप इसमें शू वगैरह रख सकते हो। 8 बंदे 6 बंदे फैमिली में अगर रह रहे हो, है ना, सारे शू इसमें आ जाएगा, मतलब 8 9 10 जोड़ी, तो इसमें शू वगैरह आराम से रख सकते हो, नीचे साइड पर रख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यार 4 सेल्फ में यहाँ पे शू वगैरह रख सकते हो, या आराम से इसको शू रैक बोला जाता है। एक अगर सुप्रीम शू रैक आप सर्च करते हो तो ये आराम से आ जाएगा। इसका लंबाई भी बहुत बड़ा वाला भी होता है, छोटा वाला भी होता है, आप उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। इसका कलर अगर शू रैक ले रहे हो तो कलर ऐसा ही कुछ लेना, तो मतलब अच्छा लगता है, ज़्यादा रंग बिरंग लेंगे तो फिर अजीब सा लगेगा, है ना, तो आपके हिसाब से कलर भी बहुत सारा आता है, आप कंडीशन टू अप्लाई कौन सा कलर आप ले रहे हो ना, कलर बहुत सारा आता है, और कुछ साइड से ऐसा कुछ दिखने को मिलता है आपको, है ना। इसका जो प्राइस है, इसका भी आपको सेम प्राइस में आ जाएगा, हालांकि उससे थोड़ा ज़्यादा रेंज का आता है ये 2600 में आपको ये मिल जाएगा, है ना। आप रिटेल में परचेस करना, इसका भी वारंटी गारंटी होता है, ये भी सुप्रीम का ही है, ठीक है। अरे इस पर बैठ रहा हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देख रहे होंगे, मैं इसको अगर मैं चढ़ भी जाऊँ ना, मैं आप लोगों को देखो, मैं इस पर मेरा 65 किलो तक मेरा वेट है और इसमें आराम से चढ़ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये सारे चीज़ें परचेस करने से पहले आप लोगों को ध्यान में रखना होता है, आपके पास अगर डैमेज वगैरह हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है यार, इसका गारंटी वगैरह होता है, वारंटी नहीं गारंटी, प्लास्टिक की चीज़ों में गारंटी वगैरह होता है, रिप्लेस हो जाएगा आपके पास,
ये अगर सुप्रीम ब्रांड से, हाँ ये भी एक ऑप्शन है, आप लोग कहाँ से परचेस कर रहे हो, ऑनलाइन से अगर आप परचेस करोगे तो उसका कंडीशन अलग होता है, लेकिन रिटेल में अगर आप परचेस कर रहे हो उनसे एक बार एक बिल ले लो और उनसे ये भी पूछ लेना है, मेरे वीडियो देख के फ़ायदा तो कुछ होना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो मेरा वीडियो देख के ये जानना है कि आपको ये जो प्लास्टिक की चीज़ है इसमें गारंटी मिलना चाहिए, क्योंकि ये गारंटी होता है, ठीक है ना। तो अगर इन केस डैमेज हो जाता है तो आपको गारंटी मिल जाना चाहिए। वैसे हमारा वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़। 2000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, वाव, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक्स कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए यार, भर भर के, है ना। अच्छे रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।